हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक न्यूज़ बेसिस पे एक वीडियो क्रिएट करने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। तो एक्चुअली ये केरला न्यूज़ है, तो ये न्यूज़ काफ़ी 2-3 दिन से काफ़ी पॉपुलर न्यूज़ है ये। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं ये शेयर करूँ। तो मैं चाहती थी कि काफ़ी ये पूरे इंडियंस के बीच ये न्यूज़ आए और ये आप तक पहुंचे, इसीलिए मैं ये शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। तो ये है एक्चुअली ये कपल है, उनका नाम है राहुल और कार्तिका। तो इनका शादी नवंबर 10th, इन लोग ट्रिवेंड्रम बेस है इन लोग। और इन्होंने यूजुअली क्या होता है, हम लोग शादी के लिए हम लोग जब इनविटेशंस वगैरह करते हैं, इनविटेशन वगैरह देते हैं, तो यूजुअली होता है कि हम हमारे फ्रेंड्स को बुलाते हैं, रिलेटिव्स को बुलाते हैं, कलीग्स को बुलाते हैं। बट यू ऐसा नहीं होता कि जिसे हम पर्सनली नहीं जानते हैं उन्हें हम शादी में इन्विटेशन यूजुअली नहीं देते। तो इस कपिल ने काफ़ी एक अच्छा सा एक एक्शन लिया है। इन लोगों ने शादी में इंडियन आर्मी को इनविटेशन दिया है। तो इन इंडियन आर्मी एज इन उन लोगों ने जो रिस्पेक्ट, जो लव उन्होंने शोकेस किया है इंडियन आर्मी के लिए, तो उनके जो इनविटेशन लेटर है, शादी का जो इनविटेशन लेटर है, उसके साथ उन लोगों ने रिटन फॉर्म में इनविटेशन आर्मी तक पहुंचाया है। तो हम सबको पता है इंडियन आर्मी के जो लोग हैं वो कितना स्ट्रगल करके, अभी मैं सिर्फ इंडियन आर्मी को नहीं फोकस कर रही हूँ, सब लोग स्ट्रगल करके ही काम करते हैं। बट इंडियन आर्मी का जो एक्शन है, अब सबको पता है कि वो अपने फैमिलीज को, रिलेटिव्स को सब कुछ भूल के, सब अपना हैप्पीनेस, दुख सब भूल कर वो अपने ड्यूटी के लिए खड़े हैं, जस्ट हमारे लिए, भारत के लिए। तो उन मोस्टली उनके साथ क्या होता है कि उनको कई बार छुट्टी नहीं मिलती है ड्यूटी के कारण, कई बार ऐसा होता है कि छुट्टी मिल जाए और उनको टिकट्स नहीं मिलते हैं। तो उनके जो पर्सनल फंक्शंस होते हैं, पर्सनल प्रोग्राम्स होते हैं, वो शायद बहुत बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं ये प्रोग्राम्स के लिए बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजंस। तो मैं मतलब मैं ये वीडियो इसीलिए क्रिएट करना, मैं ये करना चाहती थी क्योंकि जो एक्शन इस कपल ने जो लिया है ना, काफ़ी खुशी देने लायक एक्शन है। बिकॉज मैं अज्यूम करती हूँ जब ये लेटर इंडियन आर्मी तक पहुँचा होगा वो कितने खुश हो गए होंगे, राइट। तो इसके साथ तो ये जब उन लोगों ने भेजा ये लेटर में, उन लोगों ने एड्रेस डियर हीरोज जो किया है बहुत फीलिंगफुल है, हर वर्ड्स जो उन्होंने लिखे हुए हैं बहुत बहुत खुशी देने लायक लेटर है ये। तो हर वर्ड्स आप देखोगे, उन्होंने लिखा है कि आपको मैं लेटर दिखाती हूँ, ये है लेटर। बाद इनविटेशन मिलने के बाद इंडियन आर्मी ने उनको रिप्लाई भी दिया है। और रिप्लाई बहुत खुशी की बात है कि इंडियन आर्मी ने उनको रिवर्ट दिया है, राइट। ऐसा नहीं है कि इनविटेशन मिलने के बाद इंडियन आर्मी ने उनको इग्नोर किया, ऐसा नहीं है, इंडियन आर्मी ने उन्हें रिप्लाई भी दिया है, वो बहुत खुशी की बात है। और उसके साथ साथ उनको पर्सनली इनवाइट किया है मिलने के लिए। तो कमांडेंट ब्रिगेडियर फ्रॉम पांगोड इंडियन आर्मी के बिहाफ से उन्होंने उनको बुलाया है, उनको विशेस दिया है, गिफ्ट प्रेजेंट किया है। Thank you.
ये चीज मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब ये आगे शेयर कीजिए, ताकि ये सभी सभी भारतीय यूथ यंगस्टर्स के बीच ये मैसेज रहे। इन्होंने जो एक्शन जो लिया है वो काफी खुशी की बात है, इसीलिए मैंने ये शेयर किया है आगे। आप भी मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो ऑन बिहाफ सबके बिहाफ से राहुल और कार्तिका को हम दिल से विशेष पहुंचाना चाहते हैं, बेस्ट विशेष, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ राहुल एंड कार्तिका। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।